गुजरात में बीजेपी की नाक में दम करने वाली तिकड़ी कहां गायब है? आखिर अचानक कहां ओझल हो गई गुजरात की त्रिमूर्ति? 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक तीन युवा नेता सामने आए और गुजरात के साथ साथ पूरे देश में छा गए। इन तीनों ने मिलकर सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की। इन तीनों ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला था कि उसे चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। उस चुनाव में बीजेपी 182 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत लायक सीटें लाकर सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन उसे महज 99 सीटें ही मिल पाईं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, उसका पूरा श्रेय इसी युवा तिकड़ी को दिया गया। माना जा रहा था कि ये तीनों आगे भी बीजेपी के राह में कांटे बोएंगे। खासकर लोकसभा चुनाव में हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश बीजेपी के मिशन 26-26 की राह को मुश्किल करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी मौसम में ये तीनों कहीं ओझल से हो गए हैं। हार्दिक पटेल तो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी आशंका पूरी नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव में उम्र आड़े आ गई तो मेहसाणा दंगा केस में मिली सजा ने लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका सपना तोड़ दिया। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए और राधनपुर सीट से विधायक चुने गए, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके नाराज होने और बीजेपी में शामिल होने की तैयारी की खबर चल रही थी। हाल ही में उन्होंने दो विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि अल्पेश के जाने का खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हालांकि अल्पेश बीजेपी में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बातें किसी के गले नहीं उतर रही है। अब बात दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की, जो कांग्रेस के समर्थन से विधायक तो बन गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली। फिलहाल वो बिहार के बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए प्रचार में जुटे हैं। जानकारों की माने तो जिग्नेश दलितों के बड़े नेता बनना चाहते हैं, खुद को लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं। उन्हें पता है कि वो गुजरात में रहकर ये सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कन्हैया के साथ रहकर खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक दलित नेता प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और भविष्य में माया की जगह लेना चाहते हैं। हालांकि इन तीनों का सपना कब पूरा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज़ फैब्रिक रिपोर्ट।